तो फाइनली हलवा बन गया है और ये रहा रात में हो रहा है, हो जाएगा। तो यहाँ सूजी कंप्लीट बन गया है मिस श्रुति के द्वारा, बहुत ही थक गए हैं वो। बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिकास, आई होप आपको अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं, मतलब 8 बज चुका है। और मेरा गुल्लू भी उठ गया है सुबह सुबह, गुल्लू सुबह सुबह उठ गया। ऐसे तो उठा है 6:30 बजे ही, मेरा नींद हराम कर दिया उठ के, मैं चिल्ला रहा था ना कि मेरा नींद टूट गया। उसके बाद फिर आधा घंटा सोया और अभी फिर सो के उठा है। और बाबू की मम्मी भी हो रही है रेडी, क्योंकि आज नया किचन आज से स्टार्ट हो रहा है, नाश्ता आज का वहीं पे बनेगा। क्या क्या बनेगा नीचे जाके बता देंगे, फिलहाल अभी सिलेंडर को जोड़ना है, लाइट वाइट सब मतलब ऑन करना है सारा कुछ। तो हम जा रहे हैं नीचे और अभी बाबू मम्मी आगे आप लोग को बताएगी क्या क्या होगा। फिलहाल इनको हो जाने दीजिए रेडी, साड़ी पहने इसलिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ना गुल्लू। अभी चलते हैं दुकान में फट से। तो अभी डीले पे डीले हो रहा है, अभी तक सारा सामान आया नहीं यहाँ पे, अभी तक थोड़ा बहुत ही सामान सब आया हुआ है यहाँ पे। अब बाबू भी होने लगा, अभी दूध पिएगा, इसलिए मम्मी इसका दूध बना रही है अभी। आज नाश्ता सबको लेट से मिलने वाला है सही में। हे गाइस, तो पूरा हालत ख़राब हो गया मेरा, मतलब कि सब सामान लाते लाते सब देखिए कैसे हो गया, सब सामान लाते लाते आज तो हो गए, आज पहला दिन है ना इसी वजह से। और कल तो बहुत ज़्यादा रात को बिजी थी इसीलिए से सामान नहीं ला के रख सकती, तो कल ही रात को मैं लेकर आ जाती तो बहुत अच्छा होता सामान। लेकिन कोई बात नहीं, आज होगा तो होगा लेट, लेकिन आज तो स्टार्ट करूँगी। हे गाइस, तो अब स्टार्ट करूँगी और यहाँ पर पूजा पूजा है, शिव टीका लगाऊंगी और फूल वगैरह चढ़ा दूंगी बस। तो स्टार्ट हो गया हमारा किचन में खाना बनाना। सबसे पहले क्या बना रहे हैं? सबसे पहले बनाऊंगी हलवा, पूड़ी और आलू। सही में घर में आज बहुत काम हो गया, साफ करने वाले भी आई हुई है, बाबू भी रो रहा है, ऊपर से हम लोग दो आदमी यहाँ पे व्यस्त है, और साफ करने वाले के साथ में एक आदमी एकदम खड़ा चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो होगा ही नहीं, क्योंकि सब इधर उधर सामान सब रख देगी तो बताना पड़ेगा कौन सा तो पड़ेगा। इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज। और अभी स्टार्ट हो गया, क्या खीर बना रहे हैं? नहीं, सूजी का हलवा बनाएंगे। इसमें डाल दिया केसर, पानी में डाल देंगे। हाँ। पता है गाइस, हमारे घर में 2-3 कटोरी दूध रहता है, आज थोड़ा सा भी दूध नहीं, पता है जो हम बनाने के लिए है? कल दूध जल गया, मम्मी चढ़ाने भूल गई थी। खोआ नहीं बनाया उसका? नहीं, पूरा सड़ गया था, मम्मी खा ली। इसमें पूड़ी नहीं तो सूजी बनाई है, इसमें सूजी है, उसमें ये पानी गर्म होगा ना तो सूजी में डालेंगे। गाइस, तभी मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ और पता है एक साइड गैस जल रहा है तेज, एक साइड जल रहा है स्लो, फ्लेम लो है एकदम, जल ही मतलब कि बहुत लो जला, लेकिन कोई बात नहीं, हो रहा है, हो जाएगा। तो यहाँ सूजी हो गया मेरा और अब मैं इसमें डालूँगी पानी, मेरे पास दूध तो है नहीं फिलहाल, केसर वाला पानी डालूँगी मैं। तो मेरा सूजी लगभग बन गया है, सबसे लास्ट में चीनी डालूंगी और अभी मैं डाल रही हूँ ये इलायची, इलायची को पहले तो पड़ गया ऐसे देना पड़ेगा, आ जाएगा बैक। तो वो मेरा सूजी लगभग हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। मुझे मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है। सूजी बन के हो गया है कंप्लीट और अब मैं सूजी को एक सीन था इनका वॉइस का, जरा दिखाइए। तो ये बन गया सूजी का हलवा।
तो फाइनली हलवा बन गया है और ये रहा हलवा, और अभी मैं इसे ढक के रख देती हूँ और अब मैं बनाऊंगी आलू दम सब्जी बनाऊंगी। तो अब बन रहा है आलू दम, के लिए प्याज कटा जा रहा है, तो प्याज सब यहाँ पे आ गया है और ये कटर भी यहाँ पे, कटर कहाँ है, कटर कटर काटने वाला, लकड़ी का पैड। hey guys, तब तैयारी कर रही हूँ मैं आलू दम बनाने का, तो इसलिए प्याज कट कर रही हूँ, कट भी जा रहा है पता है गाइस मेरा आदत नहीं है इससे काटने का, कभी कभार काट लेती हूँ लेकिन ये जो है ना बहुत अच्छा कट रहा है इससे, क्योंकि ये नया है, नाइफ नया है। तो सब प्याज जल्दी जल्दी कटिंग कर लेती हूँ, बस मैं मसाला ऊपर से पीस कर ही लेकर आई थी, पता है मेरे घर में 9:30 बजे हम लोग नाश्ता कर लेते हैं आज लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सभी लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ प्याज कट हो गया है मेरा, गाइस मिस्टर भरत मेरी हेल्प कर रहे हैं, आलू छिल रहे हैं आलू छिल के दे रहे हैं, और मैं यहाँ पे प्याज के यहाँ पे तेल डाल दी थी, मैं गर्म हो गया है तेल, तो इसमें पहले डाल देती हूँ तेज पत्ता। और पता है गाइस आज इतना काम हो गया ना कि आप मेरा दर्द हो गया। ओ कितना सामान लेकर आए हैं, आपसे ज्यादा हम ऊपर नीचे किए, ठीक है मेहनत तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ कुछ अब घर ही वैसा बनाए तो क्या होगा। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। हे गाइस तो मैं यहाँ पे प्याज अभी फ्राई कर रही हूँ, आएगी तो बोल देती हूँ, और मुश्तबा तो आप भी आलू छिल रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर तो दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। हे गाइस तो मैं आप लोग एक बात बता दूँ कि आज मैं रेसिपी कुछ नहीं बता रही हूँ, रेसिपी आराम से बताऊंगी, आज स्टार्ट करें इसलिए आज आप लोगों से दिखा रही क्या क्या बना रही, लेकिन रेसिपी आज नहीं बताऊंगी, रेसिपी आराम से बताऊंगी। ये आलू दम बना रही, बहुत लोग मेरे से आलू दम का भी रेसिपी मांगते हैं, अब मैं दे पाऊंगी आप लोगों को आराम से, आज तो नहीं लेकिन मैं बनाते रहती हूँ तो दे दूँगी ज़रूर, लेकिन आज तो हड़बड़ी हो गया ना, टाइम हो गया, पता है मुझे भूख भी लग गया, कुछ नहीं खाई हूँ सुबह से, 10 बज गया होगा, बाप रे पता है 10 बजे खाना चढ़ा दे। एवरीवन तो अभी आलू सब कटिंग करके रख दिए हैं, हम किए हैं, और सब्जी भी लगभग हो ही गया है, अभी मसाला फ्राई होगा, बस आलू हाँ बस मसाला फ्राई हो जाए, आलू डलाएगा उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। और इधर पूड़ी के लिए मैदा सना गया है अच्छा से, सानेंगे तो सना रहा है अभी, और भूख भी लग गया है क्योंकि टाइम हो गया 10 बज गया, पापा को भी भूख लग गया बहुत क्योंकि रात में नाश्ता नहीं किए, मतलब रात में खाना नहीं खाए थे इसी वजह से बहुत जल्दी भूख लग गया है। हे गाइस तो फाइनली सब्जी बन गया है, थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा उसके बाद फिर बंद कर दूंगी सब्जी, ढक देती हूँ, डालेंगे उसमें आटा हो गया सबका पेट में चूहा खुद रहा है अभी भूख के कारण, वो चीज में टाइम लगता है ना, ऐसे नहीं हो जाता, अभी स्टार्ट किए हैं हम कब से, आज से मतलब कि आप लोग भी जानते हैं कब से बोल के हैं कि करेंगे, आज अगर नहीं कर देना आज भी नहीं हो पाता, हमको पता है ना नहीं हो पाता। तो फाइनली सब्जी हो गया है, दिखा देती हूँ आप लोगों को, और अब मैं पूड़ी बना रही हूँ, देख सकते हैं सब्जी लाइट कम नहीं लग रहा है, ठीक है अब पूड़ी छानूंगी, बस हो गया सब फैल गया मेरा किचन, पहले रुकिए उसको अच्छे से पोंछ ले तो फिर तेल का छींटा मेरे पे ही आएगा। और गाइस पता है मुझे नहीं पता था कि आज आ जाएगी काम करने वाली, शायद किसी को भी घर में नहीं पता था, तो आज थोड़ा कोई बात नहीं हो गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ दाल चावल बनाए बस हो गए। हे गाइस तो अभी पूड़ी बना रही हूँ, और यहाँ पे कुछ पूड़ी बना चुकी हूँ और अभी फिर बना रही हूँ, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए बंद कर दिए थे।
सबसे पहले पापा को दिया जाएगा नाश्ता। पापा को ये कटोरी में इसलिए दी पापा खा पाएंगे, बहुत लेट हो गया, पापा को भूख भी बहुत लग गया है, इसीलिए पहले उन्हीं को दिया जाएगा, बाद में करेंगे आखिरी में। मम्मी को ले लीजिएगा। तो अभी मेरा पूड़ी निकल गया है, गर्मा गर्म चार पूड़ी, और यहाँ पे आलू दम का सब्जी, और एक लड़का चिल्ला रहा है, पता नहीं तार छोड़ दिया है क्या। रेंट पे रहता है ना ऐसे रोज रोज। तो ये रहा नाश्ता, पूड़ी और सब्जी, पहला किचन का हमारा। और इधर रहा कहाँ गया, ये रहा सूजी का हलवा, स्पेशल सूजी का हलवा, पूड़ी एंड सब्जी। हो गया ज़्यादा नहीं, विचार अच्छा पूरा हमको। कंप्लीट बन गया है मिस श्रुति के द्वारा, बहुत ही थक गए हैं वो। सबको खिला पिला के अब मैं खाऊंगी लास्ट, सबसे लास्ट में खाएंगे, अभी फिलहाल ये मेरा है तो हम खाएंगे। इनको ये भी खा रहे हैं, अब मैं खाऊंगी। देखिए गाइस, तो सब कुछ हो चुका है फाइनली, लेकिन पूरा किचन जो है मेरा फैल गया है और अभी तक कुछ खाए नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ गाइस, ये देख सकते हैं। अब सब साफ करना, पहले खा लेती हूँ, इसके बाद साफ करूँगी पूरा ऊपर भी सब कुछ। बहुत कमर रखती है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो फाइनली हो तो गया, ये बहुत बड़ा बात है मेरे लिए कि आज हो गया, अब मैं कुछ भी बना सकती हूँ आराम से। तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट, तो आप लोगों से फिर मिलूँगी, किचन साफ सफाई करूँगी ना। गाइस, तो अभी ऊपर दाल चावल और भुजिया बना के आए हैं, और ऊपर भी काम चल रहा है, वो दूसरे ब्लॉग में दिखाऊँगी। और गुल्लू यहीं पर सो रहा है, उसके पापा हैं। तो अब मुझे किचन पूरा साफ करना है अपना, तो आ गए हम साफ करने के लिए। इससे वीडियो बनाने से नहीं होता है गाइस, बहुत मेहनत लगता है, देख रहे हैं कैसे छिटा हुआ है, देखिए सब। मुझे अच्छे तरीके से सब रखना होगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तो सबसे पहले तो मैं सबको निकाल लेती हूँ बर्तन में, थोड़ा सा हलवा बचा हुआ है और पूरी है, सबसे पहले साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद क्या करना है देखती हूँ। हे गाइस, तो थक गई हूँ गाइस, पूरा थक गए आज पता है, पूरा बर्तन तन धो के, मम्मी बोली ऐसे रखने के लिए टावल में, ताकि ये बर्तन ना बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है, गिर जाएगा टाइम से। तो सब बर्तन तन धो लिए, जो जो था इसे फिल करती हूँ, और अभी जो बाकी है वो मंगाने, कपड़ा है मेरे पास तेप पकड़ने के लिए, और सब साफ करती हूँ पूरा किचन। देखिए पूरा साफ हो गया है, साफ हो गया किचन, इसमें बहुत कुछ है, बाकी हैंड वॉश नहीं है हाथ धोने के लिए, और बर्तन धोने के लिए साबुन तो है, लेकिन साबुन का कटोरी वो बोलूँगी लाने के लिए, और वही सब देख रही हूँ क्या क्या लाना है। और एक ये लाना है, डस्टबिन लाना है एक, इसमें रखी हूँ फिलहाल कुछ और कुछ, डस्टबिन लेकर आए हैं तो बहुत अच्छा होगा, डस्टबिन में अच्छे से मैं फेंक पाऊँगी सामान। तो चलिए अब जाती हूँ नीचे, खाना अब खाना है, और मिस्टर भी पूरा थक गए हैं, और अभी ऊपर कुछ कुछ सामान लेके जाना है, सब यहाँ पे देखिए। चलिए चलिए उठिए ना।